अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत होने के बाद जब अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे, तो यहां उन्होंने चरखा चलाया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आश्रम से निकलने से पहले उन्होंने विजिटर बुक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश भी लिखा। ट्रंप ने लिखा कि मेरे महान दोस्त प्रधानमंत्री मोदी, इस शानदार यात्रा के लिए शुक्रिया। जबकि परंपरा ये रही है कि जब भी कोई हस्ती गांधी आश्रम आता है तो वो महात्मा गांधी और उनके संघर्ष या फिर उनकी शख्सियत के बारे में दो शब्द जरूर लिखता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ा और महात्मा गांधी की जगह अपने दोस्त मोदी के बारे में आश्रम की विजिटर्स बुक में लिखा है। बता दें कि आमतौर पर जब भी कोई चर्चित शख्स साबरमती आश्रम आया है, उसने विजिटर बुक्स में महात्मा गांधी या फिर उनके जीवन दर्शन के बारे में जरूर लिखा है। उदाहरण के तौर पर साल 2001 में भारत यात्रा पर आए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी विजिटर बुक्स में महात्मा गांधी के विचारों को विश्व के आध्यात्मिक धरोहर बताया था। 2018 में भारत यात्रा पर आए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा था कि मानवता के महान पैगंबरों में से एक महात्मा गांधी के स्थल की एक प्रेरणादायक यात्रा। 2018 में ही भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिखा कि सच्चाई, विनम्रता और शांति की एक खूबसूरत स्थल, इसकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी तब के समय में थी। बता दें कि आज एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत किया। पत्नी मेलेनिया के साथ ट्रंप साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उनकी आगवानी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। साबरमती आश्रम में ट्रंप ने पत्नी मेलानिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जानने के अलावा उनके चरखे के बारे में भी जानकारी ली। यहां से निकलकर वो मोटेरा स्टेडियम में पहुंचे, जहां करीब 1.01 लाख लोगों का भारी हुजूम उनका स्वागत कर रहा है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।